एक 19 साल का लड़का जिसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है लेकिन वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता। एक युवा जो बस जवानी की दहलीज पर पहुंचने वाला है वो कॉलेज जाने की जगह मैकडोनल्ड में नौकरी करने को मजबूर है। 19 साल का प्रदीप मेहरा इस देश के हुक्मरानों, मीडिया और ओपिनियन मेकर्स को उस तल्ख हकीकत से रूबरू कराता है जिसे ये सब मिलकर जोश, हिम्मत, जज्बे और लगन जैसे फरेबी शब्दों से ढक देना चाहते हैं। इन दिनों आपने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर एक भागते हुए लड़के का वीडियो जरूर देखा होगा। 19 साल के प्रदीप मेहरा आजकल इंटरनेट की दुनिया से लेकर नोएडा के फिल्म सिटी तक के स्टूडियो तक में छाए हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में वो कौन सी बात है जिसके बारे में ना ही सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और ना ही कोई न्यूज चैनल उस पर बात कर रहा है। इस वायरल वीडियो से जुड़े कुछ अहम सवालों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर इस लड़के की ये वीडियो इतनी वायरल क्यों हो रही है। दरअसल 20 मार्च को वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट से 19 साल के प्रदीप मेहरा का वीडियो शेयर किया जिसे अब तक इंटरनेट पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जिसमें प्रदीप नोएडा में आधी रात में दौड़ते हुए नजर आ रहा है। प्रदीप नोएडा में बर्गर बेचने वाली कंपनी मैकडोनल्ड के एक स्टोर में काम करता है। उसे सेना में भर्ती होना है लेकिन उसे काम की वजह से दौड़ने का समय नहीं मिलता, इसलिए वो आधी रात में छुट्टी होते ही सड़क पर दौड़ने लग जाता है और करीब 10 किलोमीटर तक इसी तरह रोजाना दौड़ता है। प्रदीप मेहरा, कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह मैं उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप, कितनी उम्र है तुम्हारी? बच्चे 19। ईजा बाजू कांचन यार, मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ कहते हैं तुमसे तू दाद जगह सी। हाँ दाद जगह सी, मम्मी एडमिट चो हॉस्पिटल। मम्मी एडमिट चाहिए। 19 साल का एक युवा कंधों पर जिम्मेदारियों का बैग लेकर नोएडा जैसे शहर में दौड़ता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर उसे शाबाशी मिलनी चाहिए कि इतनी कम उम्र में वो अपने परिवार की मदद करने के साथ साथ अपने सपने को भी सच करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन क्या इन हौसला अफजाई वाले शब्दों के साथ साथ ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि एक 19 साल का लड़का अपनी आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? क्यों एक लड़का जिसकी माँ अस्पताल में भर्ती है वो उसकी देखभाल के लिए उसके साथ भी नहीं रह सकता और उसे गुजारा करने के लिए अपनी माँ का इलाज कराने के लिए आधी रात तक नौकरी करनी पड़ रही है? इस देश के हुक्मरानों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि घर चलाने के लिए प्रदीप और उसके भाई को सिर्फ चंद हजार रुपए की नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए कि क्यों प्रदीप की मां को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सही इलाज नहीं मिल पाया? सवाल तो ये भी उठता है कि प्रदीप जैसे लाखों युवा रोज सड़कों पर दौड़ते हैं, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए भर्तियां क्यों नहीं निकलती? सेना में भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया है। सेना सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले संगठनों में से एक है, लेकिन इस वक्त सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सोमवार को ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि कोविड की वजह से सभी रिक्रूटमेंट रैली सस्पेंड की गई हैं। उन्होंने बताया कि साल 2020-21 में 97 रिक्रूटमेंट रैली की योजना थी जिसमें 47 ही हो पाई हैं। इनमें से भी सिर्फ 4 रैली के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किए गए हैं, इसके बाद रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई। यानी सेना में 1 लाख से ज्यादा नौकरियों के पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मीडिया वाले प्रदीप को कभी स्टूडियो में दौड़ा रहे हैं तो कभी सड़क पर दौड़ते हुए उसके पीछे गाड़ी लेकर चल रहे हैं। कोई उसे मिल्खा सिंह कह रहा है तो आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति उसे आत्मनिर्भर बता रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर प्रदीप जैसे लाखों युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिरकार देश के युवाओं को यूं लाचार क्यों होना पड़ रहा है? कोई ये सवाल भी नहीं पूछ रहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार सरकारी नौकरियां क्यों नहीं निकाल रही? आखिर क्यों इसे बेरोजगारी से नहीं जोड़ा जा रहा? क्यों बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही?
भारत के किसी भी कोने में आर्मी की भर्ती का कैंप लगता है तो कम से कम 40-50 हजार लोग युवा वहां पहुंच जाते हैं। कई बार तो इतने युवा पहुंचते हैं कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। इसके पीछे सिर्फ मेहनत, लगन, जज्बा और देशभक्ति ही नहीं बल्कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, जिसे बड़ी चतुराई से ऊर्जावान शब्दों के छलावे से ढका जा रहा है। हाँ, प्रदीप मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत पर टीवी वाले टीआरपी बटोर रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स। असल मायनों में उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? आज वीडियो वायरल है, कल इंटरनेट के तहखाने में वो गुम हो जाएगी। आपको बुधिया याद ही होगा, बुधिया 7 घंटे में 65 किलोमीटर भागा था, जिसे मीडिया ने लपक लिया। उस पर फिल्म बनाई गई, फिल्म मेकर्स ने पैसे कमाए और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड भी जीत लिया। मनोज वाजपेयी ने उसके कोच का रोल निभाया था, जो असली कोच था, शायद उसका मर्डर हो गया था। अब करीब 19-20 साल का बुधिया भुवनेश्वर की झुग्गी बस्ती में रहने को मजबूर है। एक कमरे के मकान में झुग्गी में वो रहता है। उसकी जिंदगी जिस संघर्ष से शुरू हुई थी, उसी संघर्ष में फंसी हुई है। मीडिया को प्रदीप मेहरा और बुधिया जैसे लोग बहुत भाते हैं। खबरों के कारोबारी इमोशंस को भी बहुत अच्छे से बेचते हैं। कभी बाबा का ढाबा सुर्खियां बनता है तो कभी रानू मंडल जैसे लोग टीवी स्टूडियो में दिखाई देते हैं। लेकिन चंद रोज की चकाचौंध के बाद ऐसे लोग घुप अंधेरे में खो जाते हैं। ना ही उनके संघर्ष पर फिर कोई फिल्म बनाता है और ना ही उन्हें लाचार बना देने वाले सिस्टम से कोई सवाल पूछता है। क्या आपने प्रदीप की तरह किसी विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े बिजनेसमैन के बेटे को यूं आधी रात में दौड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो क्यों? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। मेहरा जैसे युवाओं को इंस्पिरेशन बताकर ये एक तरीके का एजेंडा परोसा जाता है कि अगर आप में दम है, आप में लगन है, आप में हौसला और जज्बा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ना सत्ता से सवाल पूछिए और क्रांति के बारे में तो भूल जाइए, क्योंकि क्रांति तो 1.5 GB डेटा प्रतिदिन के हिसाब से कहीं डाउनलोड हो रही है। इसे ही एजेंडा सेटिंग कहते हैं, जो सत्ता के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। मतलब जो लोग मतलब ज्यादा पॉपुलर कर रहे हैं ना, मुझे मतलब इतना भी वो नहीं होना कि फिर ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब मैं ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया हूँ। मैंने 4 कदम दौड़ लगा ली कि मैं मेरे को ज्यादा ऊपर उठा देंगे तो फिर मैं अपनी मेरा गोल है ना, मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं ज्यादा इंटरव्यू देना नहीं चाहता हूँ किसी को ज्यादा, मतलब हर किसी को ये बोल नहीं बोलना चाहता हूँ कि मुझे होता है मेरे मेहनत जो होनी है, मेरे सुनसान होनी चाहिए, कामयाबी की होनी चाहिए शोर, बस मेहनत आराम से करना है, चुपचाप घूमना। तो क्या कहना चाहते हो मीडिया वालों को? मतलब ऐसा है कि मेरा वीडियो जो है मतलब बार बार मुझसे मेरी एक वीडियो आ गई है, उसको आप वायरल करो चाहे कुछ करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरे इंटरव्यू के लिए प्लीज़ बार बार मेरे पास ना आए, लेकिन क्योंकि मैं इससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। ना मैं अपने दौड़ गोल पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं अपनी ड्यूटी कर पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो बस ऐसे सारा दिन मैं इधर से उधर ही हो पा रहा हूँ, बस सारा दिन मुझे मीडिया वाले घेर ले रहे हैं इधर भी उधर भी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा लोग मुझे ना घेरें, और मैंने आज के दिन में सबको ही बोल दिया वैसे कि आज के बाद अब हम नहीं मिलेंगे आपस में, ऐसे मुझे अपने गोल पे फोकस करने दीजिए करके। ठीक बात। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर लिखें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी और मोहित और अजरा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।